से दर्शन करना पड़ता भाई तुम भाई देखो जिन्हें अंदर दर्शन नहीं करने गर्भगृह से लाइव है भाई लाइव बस मारती चल रही है कहने का मतलब यह है कि आप प्रसाद लो तो अपने घर भर ले जाना यहाँ मत चढ़ाना हर हर महादेव। तो कैसे हो आप मेरे प्यारे सारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब बड़े ही होंगे और महादेव की कृपा सब पे रहेगी माँ काली की। सो गाइस आज मैं कर रहा हूँ अपना 29 जनवरी 2024 में पहला ज्योतिर्लिंग। ये मेरा पहला ज्योतिर्लिंग होने वाला है, मतलब वैसे तो मैं कर चुका हूँ 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग, आज मेरा पहला ज्योतिर्लिंग है। सुबह के बज रहे हैं 4, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अपना आउटफिट आज का ये है कुर्ते पजामा और अभी ऊपर से गमछा भी डालूंगा। तो चलते हैं, सुबह के बज गए 4, 4:13 हो गई और चलते हैं, देखते कितने जल्दी दर्शन होते हैं और अपनी बाइक लेके चलेंगे। और बाइक की करवानी है पूजा, तो वो भी करानी है महाकाल के मंदिर जाके, तो बाइक ही लेके चल रहा हूँ अपनी, है ना। ये था मेरा होटल सामने और ये खड़ी अपनी बाइक, तो इसको स्टार्ट करते हैं, कॉल स्टार्ट करनी पड़ेगी। और देखो भाई गंदी हो गई, तो गंदी की पूजा करवानी पड़ेगी आज, क्या करें। कल भाई टाइम नहीं मिला नहाने का, ओ मतलब इसे वॉशिंग कराने का, बट कोई नहीं। और देखो सामने मच्छर कैसे हो रखे हैं। बाइक करते ऑन और ये अपनी BMW, तो फ्यूल तो बहुत कम है, ऑल स्टार्ट हो चुकी है। बाकी कल हमारी ट्रिप कितने की रही, 276 किलोमीटर चली थी, 4 घंटे 14 मिनट चलाई, 65 का एवरेज था, 120 टॉप स्पीड थी और फ्यूल कंजम्पशन 8.5 लीटर इसने करा, 32 का एवरेज दिया। तो भाई दूसरे दिन में ये सिचुएशन थी, पहले दिन में क्या थी वो मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखा दिया होगा, जिसने पहला व्लॉग देखा होगा तो मेरा। तो बैठते बाइक पे और चलते, मोटर व्लॉग नहीं लेके चल रहा मैं, हेलमेट वगैरह नहीं लेके चल रहा कि मंदिर में कहीं रखूँगा मैं, तो चलते हैं बैठते हैं ना बाइक पे। और होटल से मेरे लगभग मुश्किल से 200 मीटर के आसपास मंदिर होगा महाकाल जी का, तो वहाँ चल रहे हैं और बैठ गए बाइक पे। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, साथ ले लिया, बाइक खड़ी करती थोड़ा सा दूर और बाकी सुर जो मंदिर हो गया, अभी चल रही है बसा मारती, तो प्रसाद ले लिया और चल रहे अपना। अभी तो शांति है, बसा मारती चल रही है भाई, तो दर्शन बढ़िया से हो जाएंगे जल्दी से जल्दी अपना टाइम से। और बाइक बाहर ही खड़ी कर दी दुकान वाले के पास, जहाँ से हम प्रसाद लिया मैंने भाई, जहाँ मंदिर जहाँ बाइक खड़ी करी है, जहाँ प्रसाद लिया वहीं पे एक भाई ने ये महाकाल के जगह जगह अपना वो लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री महाकाल। तो भाई को दान दक्षिणा भी कर दी, तो सुबह सुबह के 4:30 अपना अपन लोग निकल चुके हैं। ये महादेव का मैंने टैटू भी बनवाया था परमानेंट वाला, बाकी महाकाल का मेरा बना हुआ है डोले पे, तो ये एक टैटू ये भी हो गया अपने महादेव के लिए। तो मंदिर अपने पहुँच ही गए हम, है ना, सामने जहाँ लाइट जलती दिख रही है ना वो नीली नीली सी, वहीं पे बस मंदिर टाइम से पहुँच जाएंगे। बस मारती चल रही है भाई, अभी बढ़िया दर्शन करके आएंगे अंदर। जहाँ तक कि वीडियोस अलाउड होगी, जहाँ तक फ़ोन ले आना कैमरा अलाउड होगा, वहाँ तक कि मैं शूट करूँगा, वहाँ तक मैं आपको दिखाऊँगा दर्शन कराऊँगा, उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि अलाउड नहीं होता अंदर मंदिरों में कैमरा, और शायद इसमें भी नहीं है जहाँ तक कि मुझे पता है। भाई लाइन तो यहीं से लगी, गेट पे से लाइन लें, पहले मेन रास्ते से आते थे हम। और सामने मंदिर कितने प्यारे लग रहे भाई, हर महादेव। बोलो महाकाल सरकार की जय। महाकाल से प्रिंट करा हुआ एक मैंने गमछा भी ले लिया, और स्वाती कहते हैं गमछा भी कह देते हैं इसे। और अभी जा रहा हूँ मैं मेन गेट की तरफ, ये भाई दूसरा तीसरा नंबर का गेट था यहाँ से, जैसे विदाउट पर्ची जाना हो या पर्ची ना कटवानी हो, फ्री में दर्शन करने हो तो वो, लेकिन ये बाहर बाहर से घुमा के दर्शन करेंगे, वैसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट मुझे अंदर शिवलिंग पे हाथ लगाना है, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है भाई शिवलिंग पे हाथ लगाने का। देखो कि आज सोमवार भी है, मंडे भी है, तो क्या ही दर्शन के होंगे बढ़िया ही, क्या ही मज़ा आ जाएगा भाई।
तो वही लाइन में जा रहे हैं सारे सारे। ये है 3 नंबर गेट और इसी से दर्शन होते हैं। 10 नंबर गेट है, इसी से दर्शन होते हैं इसी मंदिर से। और सामने क्या प्यारा मंदिर लग रहा है। इधर है मेन मंदिर और अभी इधर से आ रहे हैं हम, घूम फिर गए। तो बहुत सारे मंदिर बना दिए यार। वही जो पर्ची वाला सिस्टम था ना, वो वाला सुबह 6 बजे खुलता है तो, और उसके बाद भी शिवलिंग पे गर्भगृह में जाने नहीं देते। तो इस वजह से एक भाई ने बताया, भाई कोई फ़ायदा नहीं है पर्ची कटवाने का, तो आप ऐसे चले जाओ जनरल से। इसलिए भाई जनरल से फिर जा रहा हूँ वापसी। LCD लगी है ना, इस LCD में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, देख लो चमत्कार। मतलब ब्लरी ब्लर हो रहा है, ऐसी हो रही है LCD। बाहर भी एक LCD लगी थी, मैं उसमें भी दिखाना चाह रहा था, बट उसमें भी नहीं हुआ। और भाई क्या ही प्यारा बनाया हुआ मंदिर यार, अब तो बहुत बढ़िया बना दिया। और ये देखो सुंदर गेट बना रखा है यार। मस्ती की मस्ती में डोले, आज साक्षात भोलेनाथ हैं पधारे में। गेट में जाना भाई, सिंगार चल रहा है यहाँ पर, आकाल का सिंगार हो रहा है। सिंगार ये लाइव चल रहा भाई, लाइव भाई चल रही बस मिलती। आप देख सकते हो घर पर रहते लाइव भाई, लाइव बस मारती चल रही है। दर्शन करना पड़ता भाई तुम्हें। भाई देखो जिन्हें अंदर अंदर दर्शन नहीं करने देने भाई, उन भाइयों को यहाँ बिठाया गया। यहाँ देख रहे हो आ
आर्ट स्टार्ट हो गई पर यहाँ स्क्रीन ब्लर आ रही हो गई, मतलब फ्लैश मार रही है कोई तगड़ी वाली, फोकस भी नहीं हो रहा, दिखेगा ही नहीं आपको। बट अभी आरती चल रही है, आरती स्टार्ट हो गई, अब देखेगा। ये देखो और हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, खड़े हो गए भाई बाहर मंदिर में दर्शन नहीं करने दे रहे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, जो 5 साल पहले दर्शन करिए थे ना हमने, सीधा गर्भगृह में जाके करे थे, और अब क्या चांस है। अब तो प्रसाद पे भी लूट मच रही है, बाहर प्रसाद दे रहे हैं, और जो प्रसाद दे रहे हैं ना उन्हें पता है कि भाई अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता, और नहीं चढ़ने दिया। पता है इतने दूर से हमें दर्शन करा दिए, कम से कम 100 मीटर से दर्शन करा दिए, और दर्शन और वहीं पर एक दो पंडित जी खड़े हैं, और एक पॉलीथीन ले रहे हैं उसमें प्रसाद डालते जा रहे हैं, और डालते मतलब वो पैरों में भी लग रहा है, फूल माला जो भी है ना वो डाल रहे हैं, वो पॉलीथीन भर गई, भरने के बाद वो सीधी पैरों में लग रही है, जो निकल के जा रहे हैं ना वहाँ से, वहीं पे खड़े हैं। मतलब दर्शन के तो वैसे ही हो रहे हैं भाई, जो भी हो रहा है ना दूर से। कहने का मतलब ये है कि आप प्रसाद ले तो अपने घर भर ले जाना, यहाँ मत चढ़ाना, मतलब चढ़ा ही नहीं पाओगे, वहाँ तक तो जा ही नहीं पाएगा, वो वहीं बिखर रहा है, वहीं पैरों में लग रहा है, फूल माला खूब लग रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं वहाँ चढ़ाने का। अपना भा दर्शन करके, और दर्शन भी बस सिर्फ टीवी में हो रहे, वहाँ जाके भी 100 मीटर दूर से दर्शन हो रहे, और 100 मीटर दूर भी टीवी लग रहा, तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है अभी तो यहाँ पे। तो भाई सारा सिस्टम बिगड़ हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई अंदर, मतलब एलसीडी में दर्शन कर रहे हैं अभी, समझ लो देख लो एलसीडी में दर्शन कर रहे हैं मैंने भाई। अभी अपने होटल चल रहे हैं, बाइक पे बैठ रहे हैं, बाइक की भी पूजा नहीं हो पाई, मैं तो बाइक की पूजा करवानी सोच रहा था, वो भी नहीं हो पाई। कैसे होगा यार, वैसे तो मैं होटल पहुँच चुका था यहाँ पे अपने, बट तो अंकल जी से एक चाय पी सुबह 6 बजे, और फिर भैया अंकल जी कहने लगे कॉरिडोर घूम जाओ, बेस्ट है बहुत, और अब बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब घूम आते हैं भाई, आधे एक घंटे में आ जाएंगे घूम फिर के। और बाकी अपने भाई मैंने सत्या बनवा ही लिया था, जिससे प्रसाद लिया था ना उससे सत्या बनवा लिया, मैंने कहा सत्या शुभ तो हो जाए कुछ, तो ये ठीक है अब चलते हैं कॉरिडोर घूमने। तो भाई ये इतनी सारी जगह महाकाल मंदिर के लिए, मतलब सारी डेकोरेशन वगैरह आई हुई है। कॉरिडोर की एंट्री में आ चुके, बाइक पार्किंग में लगा दी, अभी जस्ट खुला है, 6 बजे ही खुलता है, और अभी जस्ट 6 बजे है, सही टाइम पर आ गया, और अभी अंधेरा है, तो मैंने सोचा मैंने कॉरिडोर घूम लेता हूँ, उसके बाद अपना चलेंगे, अपना बाइक स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे चलेंगे। तो अभी कॉरिडोर घूम ही आते हैं अंदर से बढ़िया से। तो भाई इस कॉरिडोर में पहले गेट में घुसते ही आपको मिलेगा त्रिवेणी म्यूज़ियम, 8 बजे से 10 बजे तक खुलता है शाम के, तो अभी तो 6 बजे है ना, तो अभी आगे जा रहे हैं फिर। और ये हाईवे जो अभी मैंने ब्रिज से ऊपर से दिखाया था ना आपको, जो आपने इससे लास्ट इससे पहले वाली क्लिप देखी होगी, तो ऊपर से दिखा रहा था ना मैं, वो यही दिखा रहा था, और ये देख रहा हूँ। तो अभी अपना पूरा घूम के इतने दिन निकल जाएगा, फिर हम चलेंगे। भाई ये भी कुछ शायद दिए या लाइट वगैरह लगी हुई है, बट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना लाइट तो नहीं है, फिर लाइट होती तो जलता है, या फुहारा वगैरह है कुछ है तो। ये देखो मुझे ऐसा लग रहा है फुहारा है, फाउंटेन है शायद ये। जय श्री महाकाल, जय जय शिव शंकर, जय 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 शिव शंभू।
और ये है भाई यहाँ पे गेट जहाँ पे नंदी महाराज बैठे हैं। तो महाकाल के पास, महादेव के पास जाने से पहले नंदी महाराज आपको हर मंदिर में मिलेंगे बाहर ही। तो ये नंदी महाराज बैठे, दो इधर दो उधर, और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे आते हैं अपने गणेश जी। पूजा से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, गणेश जी की पूजा होती है। वैसे यहाँ सबसे पहले गणेश जी, और उसके बाद आते हैं नंदी महाराज गेट पे, और फिर उसके बाद अपना एंट्री। साक्षात भोलेनाथ हैं पधारे, मेरे रग रग में भूले मुझको भोले पुकारे, हम तो भोले के दुलारे। ये पूरी वॉल पे ना, पूरी वॉल पे ये देख रहा हूँ, हमने कुछ मतलब कहानी बनाई गई है, कहानी टाइप मतलब पिक्चर्स लगाई गई है, पिक्चर्स बनाई गई है, कहानी टाइप जो होती है ना वो तो पिक्चर्स बनाई गई है। और ये देख रहे हो भाई, मतलब आगे तो पूरी लंबी वॉल है भाई, पूरी लंबी वॉल की तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बस जहाँ तक की बना पा रहा हूँ। तो आप देख लेना, और बाकी आओ दर्शन करो, बढ़िया घूमो। रात में कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दिन में नहीं लगता शायद इतना अच्छा। शायद भाई यहाँ पे ये भी चलती है टूर कराने के लिए, क्योंकि कॉरिडोर बहुत ही लंबा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। सारे बंधन को तोड़ मारे, दम पे दम फिर टूट हमको तोड़। ये है भारत माता मंदिर, माता मंदिर है ये, और इसी के बराबर में उधर है श्री महाकाल मंदिर। तो यहीं आ गया यार घूम फिर के, हम घूम फिर के मंदिर में आ गए महाकाल मंदिर में। और एक रास्ता एंट्रेंस ये भी है भाई यहाँ पर आने की, भोलेनाथ भोलेनाथ शिवा। तो भाई जी बात ऐसी है, कॉरिडोर तो है बहुत लंबा, इतना लंबा तो नहीं घूमा जाएगा पैदल पैदल, फिर भाई उल्टे चलती है। देखो वहाँ तक मंदिर के, बिल्कुल मंदिर के पास ही जाकर गए, बहुत दूर है। और मैं अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, तो अब इधर से आया था, अभी इधर से जाऊंगा। और इधर से मूर्तियाँ, यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी, तो लाइन से बनी हुई है, मैं पूरा आपको दिखाता जाऊंगा पूरी मूर्ति, कौन कौन सी मूर्ति दिखी है, एक एक मूर्ति दिखाऊंगा, है ना। तो भाई अगर किसी को भारत माता मंदिर जाना है तो आप यहाँ आके VIP दर्शन के टिकट पर्ची वगैरह कटवा सकते हो, है ना। ये कॉरिडोर में ही है इसका टिकट काउंटर, प्रसाद वगैरह भी इधर ही मिल रहा है। मेरा है बोले, मैं तेरा हूँ बोले, मुझे बचा ले तू अभी उठा ले तू।
कॉरिडोर कितना लंबा भाई, कितना ही लंबा है। और सामने वहाँ पे है मंदिर, ये बारा में ये महाकाल मंदिर है उसके आगे। और ये देखो भाई कॉरिडोर कितना लंबा। को जोड़ सारे बंधन को तोड़ मारे दम पे दम फिर टूटन को तोड़। मैं तो भोले का लाल रोज पीता हूँ माल, मुझे रोको ना टोको ना पीने दो फिलहाल, मुझे पीने दो फिलहाल, पीने पीने दो फिलहाल, मुझे रोको ना टोको आज पीने दो फिलहाल। चटाट हुए कल चल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबी तंबुजंग तुंग मालिकम दमट मट मट मनिना दमट मर वयम चकार चंड। और भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है फाउंटेन्स लगे हुए हैं, फुहारे लगे हुए, तो शायद शो चलता भी होगा। तो कब चलता होगा वो अभी पता नहीं भाई, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी दर्शन कर रहा हूँ और अपना बढ़िया से घूम लिया कॉरिडोर। अब चलते हैं वापस ही, ये कॉरिडोर था भाई। चलो निकल लेते हैं अब अपना होटल चल के, बैग वैग पैक भी करने अपने, फिर निकलना है आगे। तो रियली में भाई ये तो कॉरिडोर तो बहुत प्यारा बनाया हुआ, पर ये रात के टाइम अच्छा लग रहा है, जैसे लाइटिंग वगैरह हो रही है ना, अभी अंधेरा हो रहा था तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जब बढ़िया लग रहा था। अभी लाइट बंद हुई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उसमें लाइटिंग में ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। तो आऊँ तो अब 6 बजे के बाद आना, शायद 9 बजे तक खुला है, 8-9 बजे तक। अभी मैं बाहर टाइम पूछ करता हूँ कितने बजे तक खुला रहता है। सुबह तो खुलता है 6 बजे और रात को कितने बजे बंद होता है मैं वो आपको बताऊँगा अभी पूछ के, ठीक है ना। तो भाई जो लाइटिंग वगैरह हो ना जब भी आना, और पैसे वैसे कोई चार्ज अपने को तो भाई निकलना है। होटल जा रहा हूँ, वहाँ से बैग वैग पैक करूँगा अपना, बाइक पे अपना लोड करके फिर निकलते हैं अपना। भाई मेरा ये वस्त्र देख के लोग बाग मुझे महाराज, कोई पंडित, कोई कुछ बताया जा रहा। अब मैं कैसे कहूँ उन्हें कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस भक्त हूँ भाई, थोड़ा बहुत, इतना बड़ा भी नहीं हूँ भाई। हम तो छोटे से भक्त हैं भाई, कोई महाराज नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। तो भाई बहुत से लोग पंडित महाराज कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं, ये वो, बट कोई नहीं। अभी को जय श्री महाकाल, चलते हैं होटल। भाई ये 9:30 बजे कॉरिडोर बंद होता है और सुबह 6 बजे खुलता है, तो उस हिसाब से आना, तो आना रात में, मतलब जब अंधेरा हो, लाइट वाइट जल रही हो, जो भी आना, जो भी बेस्ट रहेगा। तो बाकी अपने पार्किंग में पहुँचेंगे, पार्किंग के लिए 20 रुपये और गाड़ी के हैं 70 रुपये, 50 रुपये बता रहा था, कुछ ऐसे बता। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, और भाई अब अपना वेशभूषा चेंज करते हैं और कपड़े अपने राइडिंग वाले की ड्रेस पहनते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। जैसे आपने LCD में करे ना, जैसे आपने वीडियोस में करे, ऐसे ही दर्शन मैंने करे, जैसे मैंने आपको जो दिखाया ना वही दर्शन मैंने करे, बस इतने ही कर पाए। और यही आजकल बस यही चल रहा है कि इतने ही दर्शन आप लोग ने करे, इतने ही मैंने करे, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाने देते, नहीं घूमने देते। बाकी कॉरिडोर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर कॉरिडोर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कॉरिडोर है। तो आप भी विजिट करना, ज़रूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। म्यूज़ियम वगैरह किसी का भी चार्ज नहीं है, सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, शाम को 9:30 बजे बंद होता है। तो आप विजिट ज़रूर करना भाई, मेरे कहने से विजिट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं। बट रात में अंधेरे में करना विजिट, क्योंकि लाइटिंग वगैरह होगी ना तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो गाइस एक बार जय श्री महाकाल कमेंट में ज़रूर लिख देना और लाइक शेयर कर देना, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।